Hello friends, welcome to my YouTube channel Media Center. FPTCL update 2020. FPTCL के regarding update है. FPTCL जो exam हुआ था 29 अप्रैल को 2018 को 19 को हुआ था और उसका regarding एक update है. FPTCL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग अपडेट ये कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है सर्वानंद सोनोवाल जी, उन्होंने अभी सारे जो चीज़ है वो देखने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन देने इन्वेस्टिगेशन किए जाने का ऑर्डर दे दिया गया है. तो आप देख सकते हैं ये जो है ये न्यूज़पेपर कटिंग है, तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ इस पर क्या लिखा है. FPTCL लिखित परीक्षार तदंत निर्देश मुख्यमंत्री FPTCL खेलर तृतीय और चतुर्थ बर्ग परीक्षार बारे अनुषित लिखित परीक्षार सर्वानंद तदंत निर्देश दी और सर्वात्मक तदंत निर्देश दी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल. FPTCL लिखित परीक्षार और चतुर्थ बर्गर चाकर मुकर FPTCL एलत कर्मी ठिकाभित्तिक कर्मचारी क्षेत्र विगत बर्ष 28 एप्रिल दिन 2 बजार 4 बजा और नतुन ऐक्य आवेदन कर प्रार्थी क्षेत्र पुवा 10 बजार 12 बजा लिखित परीक्षा अनुषित किंतु नतुनक आवेदन कर प्रार्थी अनुषित परीक्षा सर्वात्मक किसुसंख्यक अभियोग उत्थापन हुआ अभियोग उत्थापन हर परिप्रेक्षित मुख्यमंत्री सोनोवाले निर्दिष्ट क्रमे राज्य सरकार यह समग्र विषय परीक्षार बारे गुवाहाटी उच्च न्यायालय अवसरप्राप्त न्यायाधीश अनिमा हजरीकार दायित्व अर्पण कर आनहते इतिम्य FPTCL बलत्कर्मी ठिकाभित्तिक प्रार्थी लिखित परीक्षार क्षेत्र कोनोधरणे अभियोग उत्थापन हुआ ना पर्वेक्षे एकी सकल ठिकाभित्तिक कर्मचारी मुकलर निर्देश दिशे ठिकाभित्तिक कर्मचारी मुकलर निर्देश तथा विलम्बत आतु तेओलोकक उत्तर बहिमूलक मूल्यायन बाबे पदक्षेप लवा होइसे. एही प्रार्थीसकलर उत्तर बहिमूलक स्ट्रंग रूम सुरक्षित होई आसे राज्य सरकार ए लिखित परीक्षार उत्तर बहिमूलक कामरूप महानगरी जिला उपायुक्त द्वारा मनोनीत एजन कार्यवाही दंडाधीश मुकत उलियान आनी अभियुक्त परीक्षार अभिज्ञ परीक्षार द्वारा मूल्यायन करार व्यवस्था करबलै कामरूप जिलायुक्त निर्देश दिसे. तो स्थिति ये हो गया कि FPTCL का जो एग्ज़ाम हुआ था सभी को उसका रिजल्ट मिलने का अपडेट सुनना चाह रहे थे, लेकिन अभी FPTCL के एग्ज़ाम के ऊपर ये एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के लिए ही हुआ हो या फ्रेश के लिए हुआ हो केस जो इन्वेस्टिगेशन का जो जांच है वो दोनों के लिए होगा. ये देखिए आप लिख सकते हैं FPTCL लिखित परीक्षा खेली मिली तदंत और घोषणा. तो जो जांच का आदेश वो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने दे दिए. अब जो चीफ मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया है तो अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक ये रिजल्ट वेटिंग में रहेगा. अब जो निकल के कुछ आ सकता है तभी उसके बाद रिजल्ट दिया जा सकता है, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर ने इसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम दे दिया है. तो ये पूरा जानकारी है, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ थ्रू के अंदर. और ये देखिए FPTCL का जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है, हंगर स्ट्राइक किया हुआ है, इसका भी एक आप देख सकते हैं. ये भी देखिए FPTCL परीक्षार कलंकारी तदंत निर्देश मुख्यमंत्री दंडाधीश सम्मुख ठिकाभित्तिक कर्मचारी बहुमूल्य निर्देशन. ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे
বিজুলী ভৱন সন্মুখত অস্থায়ী গ্ৰীণ কাৰ্ড আৰু আমৰণ অমচন অনশন। তো এই দেখা যা সকতা হ্যাঁ কি ওয়ান ইয়ার চলা হ্যাঁ তো ইসকা রিজাল্ট অভি নেই দিয়া যা রা হ্যাঁ আর কুছ না কুছ চেঞ্জেস হো রা হ্যাঁ অভি সিএম কা জো জো যাচ হ্যাঁ ও কমপ্লিট হোনে কে বাদ আশ লগায়ে যা সকতে হ্যাঁ কি রিজাল্ট দে দি যায়। ফিলহাল এই কে লিয়ে অভি তক ইতনা হি আপকো আপডেট দেনা দেনা থা মুঝে ক্যুকি সবকো লগ রা থা কি ফেব্রুয়ারি কে ফার্স্ট তক রিজাল্ট দে দিয়া যা সকতা হ্যাঁ লেকিন অভি সিএম নে ইয়ে ঘোষণা কর দি তো অভি নেই লগতা হ্যাঁ কি ফেব্রুয়ারি কে ফার্স্ট তক রিজাল্ট দিয়া যা সকতা হ্যাঁ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ। জো জো চ্যানেল পে নয় হ্যাঁ আপ সাবস্ক্রাইব কর সকতে হ্যাঁ আমার ইয়ে নিউ চ্যানেল রিজাল্ট রিলেটেড, এডমিট রিলেটেড, নিউ রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড সবই আপডেট আপকো পেলে সবসে জলদ মিলেগা আপকো। আর কিছু কো ভি কুছ জানকারি চাই কমেন্ট মে আপ বতা সকতে মুঝে, মে উসকা রিপ্লাই জরুর দুঙ্গা। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।